अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इस्मत जैदी है और शायद आप में से कुछ लोग मुझसे वाकिफ़ हों। एक्टिंग करते करते मुझे टीम एनजे से ऑफ़र आई। एक उनका मेगा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था, तारीख़ी कहानी सलाउद्दीन अयूबी। उसमें एक कैरेक्टर था जो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया और मैंने बहुत अरसे से डबिंग नहीं की थी, लेकिन अच्छा लगा मुझे सुन के कि चलो डबिंग करते हैं। और यकीन करें कि मुझे बहुत मज़ा आया डबिंग में। ये जो कैरेक्टर है, ये सलाउद्दीन की वालदा फातिमा खातून का कैरेक्टर है। सोने, यूसुफ ना तो कभी मुझे माँ कहकर पुकारेगा, ना मैं तुझे कभी बेटा कहकर सीने से लगा पाऊंगी। आज तू मेरी आगोश से बहुत दूर चला जाएगा, लेकिन तू मेरे दिल में एक आरजू की तरह जिंदा रहेगा। जो कि एक बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बहुत नरम मिजाज खातून हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा उनका किरदार। और मैंने बहरहाल ज़्यादातर मेहनत तो इन लोगों ने कर ही ली थी, लेकिन मैंने उसके ऊपर डबिंग जो की, तो अब देखिए आप लोगों को कैसी लगती है। टीम एनजे के साथ मुझे बहुत अच्छा तजुर्बा हुआ। आप यहाँ पे समझें कि बहुत टैलेंटेड लोग काम कर रहे हैं और मुझे ये हैरत हुई कि हमारी फील्ड्स तो अलग हैं, एक्टिंग और है, डबिंग बिल्कुल और चीज़ है, लेकिन डबिंग में भी एक्सप्रेशंस और मेन जो है काम, वो आवाज़ का इस्तेमाल ही है। मेरा नाकाबिले शिकस्त बेटा ऐसे कैसे मर सकता है? क्या तुम कब्र की गोद में चले जाओगे मेरे लाल? माँ की गोद सोनी कर दोगे? तो मैं बहुत हैरान हुई कि यहाँ पे इतने टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, जो कि आम तौर पे हम लोग तो आपको स्क्रीन्स पे नज़र आ जाते हैं, लेकिन ये लोग नज़र नहीं आते, मगर माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरा तो बहुत अच्छा वक्त गुजरा, बल्कि अब काम ख़त्म हो गया है तो यकीन करें मैं मिस कर रही हूँ कि मतलब होता तो मज़ा आ रहा था। और बस उम्मीद है कि आप लोग देखेंगे तो आपको पसंद आएगा। मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि सुल्तान सलाउद्दीन की मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहिए एनजे डिजिटल टीवी।